पीर तो सबको सुनानी पड़ती है, हृदय की पीर तो सबको सुनानी पड़ती है, तेरी तस्वीर सभी से छुपानी पड़ती है। हृदय की पीर तो सबको सुनानी पड़ती है, तेरी तस्वीर सभी से छुपानी पड़ती है। तुम्हारा क्या है, तुम तो दिन में भी सो लेते हो। तुम्हारा क्या है, तुम तो दिन में भी सो लेते हो। मुझे तो नींद की गोली भी खानी पड़ती है, मुझे तो नींद की गोली भी खानी पड़ती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सुभाष अंचल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सो आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत है। और आज मैं लाइव आ रहा हूँ आप सभी के बीच। जय सिंह पाल एडवोकेट जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच सर। आज मैं आप सभी के बीच जो रूबरू हो रहा हूँ, आज जो हमारा पेज है, पटल है, फेसबुक पटल, जिसका नाम है शब्द वंदना साहित्यिक, शब्द वंदना अहमदाबाद से आयोजित होता है, और जगदीश गुजर जी जुड़ चुके हैं, इसके साथ संयोजक है, और इसकी संयोजिका कुसुम सोनी जी जो अभी मुझे मेरा परिचय करवा रही थी कुछ समय से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत साहित्य के प्रति उनका जो रुझान है, उनकी जो आत्मीयता है और उनका जो प्रेम साहित्य के प्रति है। उन्होंने गोपाल दास नीरज जी की भी चर्चा की और सबीना अदीब जी की भी चर्चा की उर्दू साहित्य से, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि वे इस तरह की हर चीज़ों को पसंद करती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जुड़ रहे हैं, जय सिंह एडवोकेट जी और सुभाष पांचाल जी, कवि जगदीश जी गुर्जर हमारे प्रिय बड़े भैया हैं, अहमदाबाद से ही हैं, और काफ़ी दिनों से उनसे चर्चा हो रही थी इस पटल पर आने के लिए, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी दिन लगाए, चूँकि मेरा ये मकसद होता है कि बार बार फेसबुक लाइव से ना आकर के लगभग हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार आते रहें, ताकि आप सभी लोगों से संपर्क होता रहे, क्योंकि इतनी चीज़ें होती नहीं हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती है। तो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनेगा, नई चीज़ों से कुछ शुरुआत करता हूँ जो आपने शायद किसी भी माध्यम से नहीं सुनी होगी। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे इस फेसबुक शब्द वंदना अहमदाबाद गुजरात से जो चलता है, उसके संयोजिका कुसुम सोनी जी का, सहसंयोजक कवि जगदीश गुजर जी का, और साथ ही संरक्षक महोदय श्री प्रदीप जोशी जी का बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन आप सभी का जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और कुछ पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ, कुछ और सुनाता हूँ, सुनिएगा। हमारी दी हुई वो एक किताब का किस्सा, हमारी दी हुई वो एक किताब का किस्सा, मेरे सवाल तुम्हारे जवाब का किस्सा, शायरी यूं ही निकलती नहीं दिल से मेरे, तुम्हें पता ही है फेंके गुलाब का किस्सा, तुम्हें पता ही है फेंके गुलाब का किस्सा। और कुछ नई चीज़ें आपको सुनाना चाहूँगा, सुनिएगा। एक छोटी सी नज़्म मैंने लिखी है कि सुनिएगा, बिना प्लेटफॉर्म के टिकट के, बिना प्लेटफॉर्म टिकट के, श्री प्रीतम जैन जी, सुभाष पांचाल जी जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत आभार आपका, कि बिना प्लेटफॉर्म टिकट के सीढ़ी पर चढ़ गई थी तुम, मुझे ट्रेन से उतर कर देख सीने से लिपट गई थी तुम। बिना प्लेटफॉर्म टिकट के सीढ़ी पर चढ़ गई थी तुम, मुझे ट्रेन से उतरते देख सीने से लिपट गई थी तुम। सब लोग देख रहे थे हमें, बहुत फूट कर रोई थी तुम। सब लोग देख रहे थे हमें, बहुत फूट कर रोई थी तुम। चलो अब मुझे जाने दो मीरा, चलो अब मुझे जाने दो मीरा, ये सुनते ही डर गई थी तुम। कितनी बार दोनों रोए हैं, सब कुछ भूल चुकी हो तुम।
कितनी बार दोनों रोए हैं, सब कुछ भूल चुकी हो तुम, पिछले 3 साल से किसी भी मिस कॉल पर कॉल करता हूँ, कोई नंबर भी तुम्हारा नहीं होता, कितनी बदल चुकी हो तुम, मगर जरा सी बात एक याद रखना, हजारों चेहरे हैं रूबरू मगर फिर भी तुमसे ही मोहब्बत है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग निरंतर जुड़ रहे हैं, जगदीश गुजर जी, सुवन पांचाल जी और आदरणीय कुसुम सोनी जी हमारे साथ जुड़ी है, प्रदीप जोशी जी, थैंक यू सो मच आप सभी का। सुनिए कुछ और पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरे खतों को तुमने पास सुलाया होगा, फिर अपने आंसुओं से उनको भिगाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हास्य कवि राजन जी, विश्वकर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे गुरुदेव और साहित्यिक सेवा परिषद साजापुर के संयोजक हैं, तो थैंक यू सो मच सर, आप सब भी जुड़ चुके हैं, 12-15 लोग देख रहे हैं, थैंक यू। सुनिएगा, मेरे खतों को तुमने पास सुलाया होगा, फिर अपने आंसुओं से उनको भिगाया होगा, 8 महीने से तेरा फोन तक नहीं आया, 8 महीने से तेरा फोन तक नहीं आया, मुझे पता है तुझे दीदी ने डराया होगा, बहुत बहुत थैंक यू आदरणीय हमारी बड़ी दीदी भी, हमारे निशा उज्जैनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, शब्द वंदना साहित्यिक का पूरा मंच, पूरे सारे सदस्य लोग मेरे साथ जुड़े हैं, हास्य कवि राजन गुजर जी, जगदीश जी, आदरणीय मेरे सारे बड़े जो हिंदी साहित्य के वरिष्ठ लोग हैं वो सभी मेरे साथ जुड़े हैं, सो थैंक यू सो मच। आप कुछ और पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। मैं अगर सामने आऊं तो कांपते क्यों हो, सुभाष पांचाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगर सामने आऊं तो कांपते क्यों हो, अपनी कॉपी पे मेरा नाम टांकते क्यों हो, खबर मिली है कि तस्वीर फाड़ दी तुमने, फिर अपनी छत से मुझे रोज ताकते क्यों हो, सुनेगा कुछ और तहत से पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सुने, एक मेरी बहुत पसंदीदा पंक्तियां हैं, लेकिन मैंने उसको पूरी गजल बनाया है, अभी तक मैंने पूरी गजल उसकी सुनाई नहीं है, सो सुनने की कोशिश करें। कुसुम सोनी जी, हास्य कवि राजन, विश्वकर्मा जी, जगदीश जी, निशा जी, सभी का बहुत बहुत आभार आदर, जितने भी लोग निरंतर जुड़ रहे हैं, और मैं माफ़ी चाहूँगा इस पटल के माध्यम से आप सभी से कि लगभग 1 महीने से हमारी चर्चा चल रही थी, लेकिन मैं कुछ बीमार सा था, बीच में कोरोना पॉजिटिव भी हो चुका था, सो 15-20 दिन 25 दिन से बीमार चल रहा था, सो काफ़ी समस्या आने के कारण मैं आपके बीच अब रूबरू हो रहा हूँ, सो सुनिएगा। मैं कुछ पंक्तियों, एक पूरी गज़ल आपको सुना देता हूँ उसकी। हमारी दी हुई वो एक किताब का किस्सा, मेरे सवाल तुम्हारे जवाब का किस्सा, शायरी यूं ही निकलती नहीं दिल से मेरे, तुम्हें पता ही है फेंके गुलाब का किस्सा। और कुछ पंक्तियां और भी इसमें गजल के कुछ शेर हैं, सुनिएगा। सच ही कहा था कि आप भूल जाएंगे हमको, अब देखा नहीं जाता है
खुद हालात का किस्सा। ये तहद में मैंने लिखी थी, सो इसके दो तीन शेर और भी हो, मैं आपको तहद से सुना देता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा, ताकि मैं कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ सकूँ। और भी कुछ शेर थे इसके कि तुम्हें तो याद है फेंके हुए गुलाब का किस्सा, उसके बाद कि सुनाने लगेंगे तो उम्र भी कम पड़ जाएगी, सुनाने लगेंगे तो उम्र भी कम पड़ जाएगी, हमारी आँखों से निकले हुए सैलाब का किस्सा। सुनाने लगेंगे तो उम्र भी कम पड़ जाएगी, हमारी आँखों से निकले हुए सैलाब का किस्सा। वो सच ही कहा था कि आपको भूल जाएंगे हम, अब देखा नहीं जाता खुद के हालात का किस्सा, अब देखा नहीं जाता खुद के हालात का किस्सा। वेद स्मृति जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है पुणे से जी, थैंक यू सो मच आदरणीय दीदी। हरिश्चंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कवि राजेंद्र गुजर जी, राजेंद्र जी विश्वकर्मा भी हमारे साथ जुड़ी है, कविता निशा उज्जैनी जी हमारे साथ जुड़ी है, जगदीश गुजर जी हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत स्नेह बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। एक और मैं नज़्म आपको छोटी सुनाने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। कि हाँ सच कहा तुमने मैं खुद गर्ज हूँ, पुष्पराज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच सर। कि हाँ सच कहा तुमने मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था। हाँ सच कहा तुमने मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात। थैंक यू सो मच वेद स्मृति जी, आप लिख रहे हैं क्या बात है आंखों से निकले हुए सैलाब का किस्सा। थैंक यू सो मच दीदी। कि हाँ सच कहा तुमने मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था। एक है मीरा जो, जिसका 3-4 महीने मेरे पास मैसेज आता है और हमेशा यही बोलती कि मैं जो कहती थी वैसा हो रहा है आजकल, तो हाँ जो उन्होंने कहा था वो सच हो रहा है। सो क्या है वो बातें वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिएगा। मैं बिल्कुल तरन्नुम से आपको सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, 15-20 लोग सुन रहे हैं मुझे, थैंक यू सो मच पुष्पराज जी निशा जी सभी लोग सुने। हाँ सच कहा तुमने मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था। बन देखिएगा, बहाने तमाम होते थे मेरे पास, बहाने तमाम होते थे मेरे पास, मैं क्लास में हूँ घर में हूँ मम्मी भी है अभी। बहाने तमाम होते थे मेरे पास कि मैं क्लास में हूँ घर में हूँ मम्मी भी है अभी, बताऊँ ना कैसे बात करूँ तुमसे, बताऊँ ना कैसे बात करूँ तुमसे। अचानक से तुम फिर बहुत रोने लगती, फिर तुम्हारी सहेली का फ़ोन आता, वह मुझे मनाती फिर मैं कॉल करता था, वह मुझे मनाती फिर मैं कॉल करता था। हाँ सच कहा तुमने मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था। हाँ सच कहा तुमने मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था। शुभ राठौर, अजय राठौर, शुभम पांचाल जी, पुष्पराज मिश्रा जी, कवि निशा उज्जैनी जी, काफ़ी लोग, आप सभी का बहुत स्नेह बहुत कमेंट्स निरंतर सामने से पटल से निकल रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ने में असमर्थ हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोग सुन रहे हैं। कि हाँ सच कहा तुमने मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था। अगला बंद देखिएगा, कि सुबह से रोज खैरियत पूछती फिर स्कूल जाती थी, सुबह से रोज खैरियत पूछती फिर स्कूल जाती थी, गाड़ी धीरे जलाना गाड़ी धीरे चलाना, टिफिन भी रख लिया है ना। आज भी जब मैं गाड़ी चलाता हूँ या टिफिन रखता हूँ तो अक्सर उसकी बातें मुझे याद आती है, जब वो 4-5 साल पहले मुझसे ये सब बातें करती थी। मेरे कानों में आज भी उसकी चीखें, उसकी रोने की आवाज़ें, उसके हंसने की मुस्कुराहट की जो एक चंचलता थी वो सब सुनाई देती हैं और काफ़ी बार मिस करता हूँ। सुनिएगा, कि सुबह से रोज खैरियत पूछती फिर स्कूल जाती थी, गाड़ी धीरे चलाना टिफिन भी रख लिया है ना, मैं झूठी कहता था हाँ नाश्ता भी कर लिया है अभी, मैं झूठी कहता था हाँ नाश्ता भी कर लिया है अभी, क्लास से आते ही दिन भर के किस्से सुनाना। क्या किसी और को भी सुनाती हो आजकल, क्या किसी और को भी सुनाती हो आजकल, दिल तो नहीं मानता मगर इतना तो यकीन है, दिल तो नहीं मानता मगर इतना तो यकीन है, मैं तुमसे इश्क करता हूँ और करता था। हाँ सच कहा तुमने मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था। हाँ सच कहा तुमने मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का बहुत बहुत आभार, आप बहुत निरंतर कमेंट्स बहुत फास्ट गति से चल रहे हैं। अजय राठौर जी सुबह मैं आदरणीय जगदीश भाई साहब से और कुसुम सोनी जी से माफ़ी चाह रहा था कि मैं कुछ दिन और बात अपना ये लाइव सेशन कर सकूं, क्योंकि थोड़ा सा बीमार चल रहा हूं, काफ़ी दिनों से कोरोना के रोज़ टेबलेट खा खा के परेशान हो चुका हूं, लेकिन फिर भी
मेरी भी इच्छा थी कि हाँ काफ़ी दिन लोगों से मिलने के हो गए हैं, लगभग महीना भर ही हो गया है। सो मिलने की इच्छा हुई आप सभी लोगों से, तो अभी आपके बीच रूबरू हो रहा हूँ। कवित्री निशा उज्जैनी जी हमारे साथ जुड़ी है, थैंक यू सो मच दीदी। सुनिएगा, आपकी कुछ फेवरेट पंक्तियाँ हैं जो मैं सुनाना चाहूँगा। अक्सर उनसे बात होती रहती है, हर संडे को उनका फ़ोन आता ही है, तो अक्सर वो मुझसे पंक्तियाँ सुनती है। वो कौन सी है मैं आपको सुनाता हूँ, जो आजकल की मोहब्बत में लड़कियाँ करती हैं। तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी, तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी, संग दुपट्टे के कुर्ती भी भिगाई होगी, फिर से नाराज हुए होंगे तेरे घर वाले, आज फिर तुमने घर की चाय जलाई होगी, आज फिर तुमने घर की चाय जलाई होगी। थैंक यू सो मच दीदी। एक और किस्सा मैं सुनाता हूँ इसी टाइप का, मुझे याद आया कि आजकल की जो लड़कियाँ हो किस तरह का बिहेव उनका रहता है घरों में, सुनेगा। एक और है, हमारे चेहरे पे रौनक इसी से आई है। राजेंद्र विश्वकर्मा जी आदरणीय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार दीप राठौर जी भी जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच सर। 18-20-25 लोग के लगभग देख रहे हैं मुझे, थैंक यू सो मच आप सभी का। सुनिएगा, सुना रहा था मैं कि एक तो मैं भूल जाता हूँ क्या सुना रहा था, मैं कुछ और सुना देता हूँ, सुनिएगा। हाँ, ये सुना रहा था कि हमारे चेहरे पे रौनक इसी से आई है, हमारे चेहरे पे रौनक इसी से आई है, तुम्हारी याद है और साथ में तन्हाई है, तुम्हारी याद है और साथ में तन्हाई है, मेरे गले से एक निवाला तक नहीं उतरा, तुमने जिस रोज से मम्मी की डांट खाई है, तुमने जिस रोज से मम्मी की डांट खाई है। कवित्री निशा उज्जैनी दीदी बोल रही है, राहुल भैया कसम से मैं तो रो पड़ती हूँ आपकी दास्तां सुन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा उद्देश्य किसी को रुलाना नहीं होता, हंसाना ही होता है। मुझे अभी एक जोक टेक्नोलॉजी पर बहुत अच्छा लगा पढ़ने में, मैं चूंकि व्यंग लिखता हूँ लेकिन मुझे ये पढ़ने में आया तो मैं आपको सुना देता हूँ। अभी दो कबूतर उड़ रहे थे आसमान में, तो वे खेत की तरफ जा रहे थे कुछ दाना चुनने के लिए। अब खेत की तरफ जैसे ही जा रहे थे, दूसरा कबूतर ने बोला कि नहीं नहीं उधर मत जा, वो आदमी खड़ा है। तो वो दूसरा बोला, अब वो एक पुतला था, आजकल जैसे काग भगोड़ा बनते हैं ना, तो एक कबूतर ने बोला कि नहीं नहीं वो आदमी खड़ा है, वहाँ नहीं जाना अपने को। तो दूसरा कबूतर बोलता है, नहीं आदमी नहीं है, आदमी होता तो उसके हाथ में मोबाइल होता। तो मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा कि हाँ यार क्या गजब आजकल की टेक्नोलॉजी है, कि कबूतर तक को पता चल गया है कि मोबाइल वाला। एक और किस्सा मैं आपको सुनाता था, घर में अगर मतलब अगर आप पति पत्नी खुश रहना चाहते हैं तो दोनों के पास अच्छे मोबाइल होना चाहिए, ताकि वो अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहें। तो बहुत सारी ऐसी बातें रहती हैं, मैं चूँकि शायरी के लिए ख़ास तौर से पैदा ही हुआ हूँ, तो मैं वही लिखता हूँ जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ। सुनिएगा कुछ और पंक्तियाँ, मैं आपको पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। सुने कि आसमां को छोड़ो हिस्से में ज़मीन तक नहीं आती, आसमां को छोड़ो हिस्से में ज़मीन तक नहीं आती, मेरे आंसू पोछने खुद की आस्तीन तक नहीं आती, मेरे आंसू पोछने खुद की आस्तीन तक नहीं आती, दिन मस्तियों से गुजरता है शाम होते ही अचानक, दिन मस्तियों से गुजरता है शाम होते ही अचानक, क्या हो गया है मुझे रात को नींद तक नहीं आती, क्या हो गया है मुझे रात को नींद तक नहीं आती। थैंक यू सो मच कुमार दीप राठौर जी, सुभाष पांचाल जी, अजय जी, निशा दीदी, राजेंद्र विश्वकर्मा जी, जगदीश जी और कुसुम सोनी जी। काफ़ी लोग की कमेंट्स निरंतर मेरे सामने आ रही है और काफ़ी लोग देख भी रहे हैं, और कमेंट्स ना भी आए कोई दिक्कत नहीं, आप फील करें महसूस करें, अच्छी लगे तो आप अपने प्रियजनों तक, अपने दोस्तों तक, अन्य फेसबुक जो चलते हैं, जो पेज चलते हैं उन तक जरूर पहुँचाएँ, ग्रुप तक पहुँचाएँ। कुछ और पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि मेरी लूटी हुई जमानत के बाद आना है, मेरी
लूटी हुई जमानत के बाद आना है, कुछ खोई हुई अमानत के बाद आना है। सॉरी, थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ, सो फिर भी कोशिश करता हूँ आपको सुनाने की। मेरी लूटी हुई जमानत के बाद आना है, कुछ खोई हुई अमानत के बाद आना है। जिंदगी की परवाह में इसलिए भी नहीं करता, जिंदगी की परवाह में इसलिए भी नहीं करता, जानता हूँ तुम्हें कयामत के बाद आना है, जानता हूँ तुम्हें कयामत के बाद आना है। और सुनिएगा कि दरिया है तो क्या प्यासा नहीं होगा, दरिया है तो क्या हुआ प्यासा नहीं होगा, आहिस्ता से चलने में खतरा नहीं होगा। दरिया है तो क्या हुआ प्यासा नहीं होगा, आहिस्ता से चलने में खतरा नहीं होगा, और भूलने की कोशिशों में बस यही हासिल, भूलने की कोशिशों में बस यही हासिल, जिंदगी में तुमसे बेहतर दूसरा नहीं होगा, जिंदगी में तुमसे बेहतर दूसरा नहीं हो रहा होगा। नलिनी शर्मा जी, बहुत बहुत थैंक यू दीदी, कुमारदीप जी और अजय जी, कुसुम जी, नीसा उजनी जी, आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ और पंक्तियाँ मैं आपको तरन्नुम से सुना देता हूँ, सुनिएगा। मैं कुछ ऐसी पंक्ति सुना देता हूँ जो मेरी मतलब वैसे तो सारी चीज़ें मैं रियल लाइफ से जुड़ करके सुनाता हूँ, और एक महत्वपूर्ण कुछ कविता तक आपको पहुँचाऊँगा जो आज अभी 2-3 दिन पहले का किस्सा है, सुनिएगा। कि उसी की दूरियाँ, उसकी दूरियाँ तबीयत पे कितनी भारी थी, उसकी दूरियाँ तबीयत पे कितनी भारी थी, उसकी दूरियाँ तबीयत पे कितनी भारी थी, हाँ माना कि तमाम गलतियाँ हमारी थी, हाँ माना कि तमाम गलतियाँ हमारी थी, जरा सी बात पर ठुकरा दिया उस लड़की को, जरा सी बात पर ठुकरा दिया उस लड़की को, मैं घर में सबसे बड़ा था तो जिम्मेदारी थी। थैंक यू सो मच कुसुम जी, निशा जी, थैंक यू सो मच, काफ़ी लोगों का बहुत बहुत आभार, आप सब लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धन्यवाद आप सभी का। कुछ और पंक्तियाँ आपको सुना देता हूँ, तरन्नम से भी मैं ज़रूर सुनाऊँगा आपको, जैसा कि आप सब लोग सुनने के लिए बैठे हैं। एक आंसू आंसू एक छोटी सी नज़्म है, अजय राठौर जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार निरंतर मुझे, विकास बोखल सिंह जी, आप सभी का बहुत आभार, सुनिएगा। आंसू के ऊपर एक छोटा सा नज़्म मैंने 5-7-8 लाइन की लिखी है, सुनिएगा। मेरी शर्ट के कंधे पे तुम्हारे लिपटे हुए आंसू, मेरी शर्ट के कंधे पे तुम्हारे लिपटे हुए आंसू। मैं बताता हूँ मैंने कब लिखी इसको। एक्चुअली एक बार मैं पढ़ रहा था कुछ किताबें, और पढ़ते पढ़ते रात की 1:30-2 बज चुकी थी, और चूंकि आदत में है कि मैं जब तक 100-200 पेज ना पढ़ लूँ ना नहीं सोता हूँ, तो पढ़ रहा था, अचानक से मुझे याद आती है उसकी वो कुछ बातें जब हम मिला करते थे, तो मैं लगभग 3-4 घंटे तक उन चीज़ों को सोच करके, याद कर करके रोता रहा, और रोने के बाद अचानक से 4-4:30 बजे मैंने उसको मैसेज भी किया इंस्टाग्राम पे, लेकिन चूंकि उसने ब्लॉक कर रखा तो कोई रिप्लाई नहीं आया। काफ़ी उसके 15-20 दिन बाद रिप्लाई आया। तो मैंने उस रात को जब मुझे नींद नहीं लग रही थी तो मैंने कुछ सोच के लिखा, तो वो कुछ पंक्तियाँ थी, मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा, क्योंकि सब रियल लाइफ की पंक्तियाँ होती हैं, सुनिए। मेरी शर्ट के कंधे पर तुम्हारे लिपटे हुए आंसू, मेरी शर्ट के कंधे पर तुम्हारे लिपटे हुए आंसू, ट्रेन की बर्थ पर रुमाल से पोछे हुए आंसू, मेरी शर्ट के कंधे पर तुम्हारे लिपटे हुए आंसू, ट्रेन की बर्थ पर रुमाल से पोछे हुए आंसू, मैं चलता हूँ ये कहते ही गिरते हुए आंसू, मैं चलता हूँ ये कहते ही गिरते हुए आंसू, हमारे बीच गलत फहमी पर हंसते हुए आंसू, हमारे बीच गलत फहमी पर हंसते हुए आंसू, बिछड़ने पर इन आँखों से तड़पते हुए आंसू, बिछड़ने पर इन आँखों से तड़पते हुए आंसू, मेरे मरने पर तुम्हारे गाल पर सूखते हुए आंसू, मेरे मरने पर तुम्हारे गाल पर सूखते हुए आंसू। अंतिम दो पंक्तियाँ कि मेरे मरने पर तुम्हारे गाल पर सूखते हुए आंसू, कभी आईने में देखोगी खुद तरसते हुए आंसू, कभी आईने में देखोगी खुद तरसते हुए आंसू, फिर
फिर रोक ना पाओगे अपने बहते हुए आंसू, फिर रोक ना पाओगे अपने बहते हुए आंसू। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग काफ़ी जुड़े हैं, 25-30 मिनट से मुझे सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 5-10-15 मिनट में और कुछ अच्छी चीज़ें आपको सुना देता हूँ, और एक ख़ास कविता आप ज़रूर सुने मुझसे, जो 2-3 दिन पहले की घटना पर मैंने लिखी है, सुनिएगा कुछ और पंक्तियाँ। मैं सीधे वो कविता ही पढ़ देता हूँ। थैंक यू सो मच वेद स्मृति कृति जी, पुणे से दीदी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और हमारे साहित्य सेवा परिषद शाहजहाँपुर की भी एक महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। दिया परमार भी हमारी एक दोस्त हैं फेसबुक की, काफ़ी उनका अक्सर मेरी सारे वीडियो पर, कविताओं पर, शायरियों पर उनके कमेंट्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच दिया, आप भी आए। मैं कुछ पंक्तियाँ और पढ़ देता हूँ। एक कविता लेके मैं आया था, मैंने काफ़ी दिन पुरानी है, सो मैंने लिख के रखी थी, कहीं रखा गई है, लेकिन मैं मुझे जितनी याद है वो मैं आपको सुना देता हूँ। सुनिएगा कि वैसी दरिंदों की खातिर सरेराह बेजार हो जाती है, वैसी दरिंदों की खातिर लड़कियाँ क्या होती है। अभी गैंगरेप हुआ आप सब जानते हैं, मुझे पूरी डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब न्यूज़ चैनल देखते हैं रोज, है ना, तो उस न्यूज़ चैनल को एक लगभग 2012 में एक केस हुआ था जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के आसपास, तो वो केस रोज़ मेरी टीवी के सामने मैं सुनता रहता था, अखबारों में पढ़ता रहता था, निर्भया वाला केस। एक और निर्भया का केस अभी कल परसों हुआ, जो बड़ी निडरतापूर्वक उसे रात में जला दिया गया बिना परिजनों के मदद के, और हमारे हिंदू धर्म में तो ये परंपरा भी नहीं होती कि रात को किसी के शव को जलाया जाए, लेकिन फिर भी जला दिया गया। तो मैं कुछ पंक्तियाँ उस से संबंधित पढ़ देता हूँ जब मैंने उस समय 2012 में लिखी थी, लेकिन आज भी जब भी ऐसा कोई सीन आता है तो मैं ऐसा माहौल देखता हूँ, है ना, तो सुनिएगा कि वहशी दरिंदों की खातिर सरेराह बेजार हो जाती है, कभी खुद को महफूज समझ लड़कियां गुनाहगार हो जाती है, वहशी दरिंदों की खातिर सरेराह बेजार हो जाती है, कभी खुद को महफूज समझ लड़कियां गुनाहगार हो जाती है, लड़की गुनाहगार हो जाती है। सुनिएगा कि खिलती कलियां हैं बगियों की क्यों मुरझाई सी रहती है, खिलती कलियां हैं बगियों की क्यों मुरझाई सी रहती है, जब भी चाहा घर से निकले क्यों घबराई सी रहती है, और घर से कदम बढ़ाते ही इंतजार हो जाती है, कभी खुद को महफूज समझ लड़कियां गुनाहगार हो जाती है, गुनाहगार हो जाती। ये नहीं, आप जैसे आजकल का रवैया होता यार ये क्यों पहन रखा और ये तो पहनावा ऐसा होता लड़कियों का, नहीं, आपका नज़रिया, आपका एटीट्यूड, आपका देखने का जो एक रवैया है उसे सुधारना पड़ेगा, उस एटीट्यूड को सुधारना पड़ेगा। हम लड़कियों को ही गुनाहगार साबित कर देते हैं कि उसने कुछ गलत किया होगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, 99% ऐसा नहीं होता है। तो कभी खुद को महफूज समझ लड़कियां गुनाहगार हो जाती हैं। सुनिएगा और पंक्तियां कि दिल के हर एक ख्वाब छुए उड़कर के आकाश छुए, दिल के हर एक ख्वाब छुए उड़कर के आकाश छुए, दुनिया में कुछ कर जाने को मानवता के जज्बात छुए, और हर बार पर फैलाते ही क्यों शिकार हो जाती है, कभी खुद को महफूज समझ लड़कियां गुनाहगार हो जाती है, वैसी दरिंदों की खातिर सरेराह बेजार हो जाती है, कभी खुद को महफूज समझ लड़कियां गुनाहगार हो जाती हैं। अंतिम बन सुनिए, मजबूरियां मरती जाएगी दहशतें उभरती जाएगी, जब तक दौरे सियासत है ये अदालतें डरती जाएगी। और राजनीतिक को किनारे देख क्यों मझधार में खो जाती है, और कभी खुद को महफूज समझ लड़कियां गुनाहगार हो जाती है, वैसी दरिंदों की खातिर सरेराह बेजार हो जाती है, कभी खुद को महफूज समझ लड़कियां गुनाहगार हो जाती है।
लड़कियां गुनाहगार हो जाती। थैंक यू सो मच वैद्य स्मृति जी, आपका आभार, आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। अजय राठौर जी, शुभ राठौर जी, कुसुम सोनी जी, जगदीश गुजर जी और निशा उज्जैनी जी, आप सभी का बहुत स्नेह और बहुत प्रेम मुझे मिला आज। मैं आज कुछ समापन कर देता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी साथ नहीं दे रही है, मैं बुखार में हूँ, लेकिन फिर भी 15-20 दिनों से थोड़ा सा असमंजस में चल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सर से हाँ की थी जगदीश जी से, तो मुझे लाइव आना था, तो आप सब लोग जुड़े हैं। थैंक यू सो मच, आभार आप सभी का। एक छोटा सा गीत मैं सुना देता हूँ, एक दो बंद का, जो कि आज की वर्तमान की परिस्थिति है और क्या हालात हैं आज के दौर के, वो मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। मेरी अभी थोड़ी बीमार होने के कारण याददाश्त भी थोड़ी कम हो गई है, कुछ पंक्तियाँ मैं भूल भी रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो फिर भी सुनने की कोशिश करिएगा। कुसुम सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सुने। भ्रष्टाचार आतंकवाद का क्या माहौल है आज के दौर में, भ्रष्टाचार आतंकवाद का परिवेश हो गया, देखो मेरे मित्रों कैसा देश हो गया। भ्रष्टाचार आतंकवाद का परिवेश हो गया, देखो मेरे मित्रों कैसा देश हो गया, देखो मेरे मित्रों कैसा देश हो गया। अभी उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं जो कल केस हुआ कि उस लड़की को पुलिस वालों ने जला दिया। अभी ये लोग पूछ रहे हैं, परिवार वाले पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी थी या नहीं थी वो, है ना, तबीयत का। थैंक यू सो मच, आप सुनिए, आप तो कविता सुनिए, तबीयत से क्या लेना देना, सुने। भ्रष्टाचार आतंकवाद का परिवेश हो गया, देखो मेरे मित्रों कैसा देश हो गया, देखो मेरे मित्रों कैसा देश हो गया। सुनिएगा बन। हत्याओं का दौर चला है, घर में जलती है नारी, हत्याओं का दौर चला है, घर में जलती है नारी, वह सीत ने बन बैठे हो गया भाई अत्याचारी, इधर फसल बर्बाद हुई के उधर पेड़ पे झूल गया। अभी वर्तमान की समस्या है, अभी इस साल अम्ल वर्षा हुई जिसके कारण सोयाबीन की पैदावार में बहुत कमी आई, जिसके कारण किसानों का बहुत जो दर्दनाक बातें उनकी होती हैं मैं सुनता हूँ, तो मेरा भी कलेजा बिल्कुल ऐसा माहौल हो जाता है रोने जैसा कि यार क्या गजब, प्रकृति भी कितने तरह के आपदाओं से हमें निपटना पड़ता है, जूझना पड़ता है किसान को, लेकिन उस तरह की वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। लेकिन आज के दौर के किसानों को ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसी चीज़ें आपके बीच अभी लेकर के आए हैं नए संशोधन में, जिसका सम्मान करना चाहिए, आंदोलन की बजाय उनकी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलना चाहिए। सुनिएगा कि हत्याओं का दौर चला है, घर में जलती है नारी, वह सीत ने बन बैठे हो गया भाई अत्याचारी, इधर फसल बर्बाद हुई के उधर पेड़ पे झूल गया, ऊपर की कमाई खाकर रिश्ते नाते भूल गया, त्याग समर्पण इतिहासों का जो डेडिकेशन है, त्याग समर्पण इतिहासों का उपदेश हो गया, देखो मेरे मित्रों कैसा देश हो गया, देखो मेरे मित्रों कैसा देश हो गया। और सुनिएगा, न्यूज चैनल की तो ये हालत कर रखी है कि उनसे अच्छा तो डिस्कवरी चैनल देख लो जिसमें सांप बिच्छू भूत प्रेत दिखाए जाते हैं। सुनिएगा, ऐसे लोगों के लिए ये बंद मैंने लिखा है, देखो मेरे मित्रों कैसा देश हो गया, भारत के चंद लफंगों ने उठा रखा है सर पर देश,
भारत के चंद लफंगों ने उठा रखा है सर पर देश, घर घर से अफजल निकलेगा बांटते रहते हैं संदेश, और कोई इन्हें ये बतला दे ये श्री राम की धरती है, कोई इन्हें ये बतला दे ये श्री राम की धरती है। सरहद पे युवा पीढ़ी अभी प्राण न्यौछावर करती है, पश्चिमी सभ्यता के कारण, पश्चिमी सभ्यता के कारण क्या क्या वेश हो गया, देखो मेरे मित्रों कैसा देश हो गया, देखो मेरे मित्रों कैसा देश हो गया। भ्रष्टाचार आतंकवाद का परिवेश हो गया, देखो मेरे मित्रों कैसा देश हो गया, देखो मेरे मित्रों कैसा देश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कवि तेजपाल सिंह जी सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप चरण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निशा उज्जैनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दीदी। आप निरंतर बने हुए हैं इस पूरे फेसबुक पटल पर मेरे, और अत्यधिक जब भी मैं लाइव सेशन पे आता हूँ तो मेरे सारे प्रियजन, मेरे मित्र, मेरे स्टूडेंट और मेरे जितने भी मेरे जो मुझसे प्रेम करते हैं, आप सभी लोग मेरे सामने आते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं। आकाश अंबानी जी, निशा जी, शुभ राठौर जी, कवि तेजपाल जी सिसोदिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर। और शुभ राठौर जी की फरमाइश है सर, एक धूप में गिलो वालों वाली जरूर सुना है। थैंक यू सो मच आपने फरमाइश की, क्योंकि थोड़ी आवाज़ मेरी सांटने डर रही है, मैं थोड़ा सा पीड़ित हूँ अभी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ सुनाने की, क्योंकि आपकी फरमाइश पूरी करना हम छोटे मोटे आर्टिस्टों की एक इच्छाएँ भी होती है, तो मैं सुना देता हूँ उसके एक दो बन। सुनेगा, बिन मौसम बरसातों वाली धूप में गीले बालों वाली, बिन मौसम बरसातों वाली धूप में गीले कुछ लिखा है इसमें, एक मिनट में पढ़ देता हूँ। कुलदीप चरण जी ने केसरी फेसबुक पेज पर आपका लाइव काव्य पाठ सादर आमंत्रित है, मुझे पुनः सूचित करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे सुना और आप मुझे अपने पेज पर आमंत्रित करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रेक छाऊँगा 10-15 दिन का, क्योंकि जो हमारे मित्रगण हैं जो सुनने वाले हैं तो वो निरंतर तो नहीं सुन पाते, 2-4 दिनों में थोड़ा सा गैप रखना पड़ता है, और मैं भी थोड़ा सा तबीयत से नासाज चल रहा हूँ, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपके पेज पर ज़रूर आऊँगा, आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, फेसबुक पर मेरा नंबर मिल जाएंगे आपको। तो मैं शुभ राठौर जी की ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, सुनिएगा और अंतिम मैं प्रस्तुति आपके बीच रख रहा हूँ, सुनिएगा। बिन मौसम बरसातों वाली धूप में गीले बालों वाली, अनछुए अरमानों वाली मैं भरे पैमानों वाली, दिन में यादों वाली वो रातों को ख्वाबों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली। मैंने ये पंक्तियाँ कविता लिखी थी एक लड़की के लिए, मैं सब कुछ तो नहीं बताऊँगा, लेकिन फिर भी वो टाट पट्टी पर बैठी रहती थी तीसरे नंबर पर, और मैं मुझे बड़ी घूर के देखती रहती थी बिल्कुल 40-50 मिनट तक, तो मैंने उसके लिए जिक्र में लिखी है उसकी खूबसूरती के बारे में, कि वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली। सुनिएगा, जुल्फे गिरती चेहरे पर तो दुल्हन हो जाती है, जुल्फे गिरती चेहरे पर तो दुल्हन हो जाती है, एक जरा मुस्कान खिले तो कंवल हो जाती है, उस पर कुछ लिखता रहता हूँ उसको ही गाता रहता हूँ, जब कुछ थोड़ा लिख पाऊँ तो गजल हो जाती है, जब कुछ थोड़ा लिख पाऊँ
तो गजल हो जाती है। झुकी हुई नजरों से करती बात इशारों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली। सुनिएगा एक कुर्बान मुझे याद आता कि जिस लड़की का चेहरा पढ़कर मैंने गीत सजाया है, जिस लड़की का चेहरा पढ़कर मैंने गीत सजाया है, प्यार मोहब्बत हसरत चाहत नाम लबों पे पाया है, हर कहीं नजर आती है हर कभी कहर ढाती है, हर कहीं नजर आती है हर कहीं कहर ढाती है, मेरी परछाई पर भी उसका साया मंडराया है, बिन पूछे सवालों के तैयार जवाबों वाली, झुकी हुई नजरों से करती बात इशारों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली। आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत प्रेम से सुन रहे हैं, तो मैंने आज तक इसके एक दो तीन बंद ऐसे हैं जो नहीं सुनाए हैं, तो मैं चाहूँगा वो भी सुना देता हूँ, क्योंकि कहीं पर भी नहीं सुनाए हैं मैंने, और ये बहुत पहले लिखे हैं 10-11 साल पहले, तो फिर भी सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा। वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली, तेजपाल सिंह जी, प्रदीप सगर गया, प्रदीप जी, सुब राठौर जी, निशा उज्जैनी जी, राजेंद्र विश्वकर्मा जी, जगदीश जी, सभी का बहुत बहुत आभार। सुनिएगा। वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली। सुनिएगा, बहुत चुटीला सा और बहुत अजीब सा ये बंद है, चूँकि मैं गीत मंचों पर नहीं पढ़ता हूँ, चूँकि ये मंचों पर पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन मैं फेसबुक पटल पर आप सभी मोहब्बत करने वाले लोग हैं तो सुना देता हूँ। वो लड़की गुमसुम से खामोश निगाहों वाली, स्कूल रोज लेट आती थी और बहाने बनाती थी। सुनिएगा, सुब राठौर जी, आप जरूर सुने। स्कूल रोज लेट आती थी और बहाने बनाती थी, कॉपी उससे मांगो तो ना जाने क्यों शर्माती थी, कॉपी उससे मांगो तो ना जाने क्यों शर्माती थी, कभी कभी ऐसा भी होता उससे चक्कर आने लगते थे, कोई टीचर प्रश्न जो पूछे तो ज़्यादा घबराती थी, कोई टीचर प्रश्न जो पूछे तो ज़्यादा घबराती थी, पीछे की टेबल पर बैठी, पीछे की टेबल पर बैठी स्कूल की क्लासों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली, बिन मौसम बरसातों वाली, धूप में गीले बालों वाली, अनछुए अरमानों वाली, मैं भरे पैमानों वाली, दिन में यादों वाली, वो रातों को ख्वाबों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच आप सभी का। और अंत में चार पंक्तियों से मैं समापन करूंगा आज के इस लाइव सेशन का, सुनिएगा। मेरी कुछ बातों ने तुमको सताया के नहीं, मेरी कुछ बातों ने तुमको सताया के नहीं, कभी हंसाया कभी तुमको रुलाया के नहीं, सुना है कल तुम्हारी शादी होने वाली है,
मगर हथेली से, मगर हथेली से मेरा नाम मिटाया के नहीं। मगर हथेली से मेरा नाम मिटाया के नहीं। कुसुम सोनी जी, देवेंद्र यादव जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। फेंके गुलाब का किस्सा, अजय राठौर जी, मैंने बिल्कुल पूरी गज़ल सुनाई है और स्टार्टिंग में मैंने दो बार सुनाई है उस गज़ल को, तो आप ज़रूर सुने। स्टार्टिंग से वीडियो को देखेंगे तो आपको मिलेगी। सॉरी, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मैं फिर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा आप सभी का। शब्द वंदना अहमदाबाद गुजरात के इस फेसबुक पटल पर आप सभी के बीच रूबरू था और मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका संपर्क मुझसे हुआ, आदरणीय कुसुम सोनी जी का, और आज आप सभी से रूबरू होने का इन्होंने मुझे अवसर दिया, तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा आदरणीय संयोजिका महोदय कुसुम सोनी जी का और सहसंयोजक आदरणीय हमारे बड़े भैया कवि जगदीश गुजर जी का, जो कि हमारे शाजापुर ज़िले से ही है और अहमदाबाद गुजरात में रहते हैं, वहाँ से फेसबुक पटल चलाते हैं। तो धन्यवाद आपका भी आदरणीय बड़े भैया। संरक्षक महोदय प्रदीप जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े थे। पुनी रामचंद्र जी, सुप राठौर जी, देवेंद्र यादव जी, कुसुम सोनी जी, निशा उज्जैनी थी, देवेंद्र यादव जी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मैं थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं और भी पढ़ता लेकिन थोड़ी सी तबीयत नासाज होने के कारण आप सभी से माफ़ी चाहूँगा और पुनः जल्दी से आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तो धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। शुभरात्रि।